राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मनोह में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बोर्ड परीक्षा की तैयारियां कर रहे छात्रों से सीधी बातचीत दिखाई गई। इस दौरान स्कूल में 176 छात्रों को ये कार्यक्रम दिखाया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बच्चों को बोर्ड परीक्षा के दौरान होने वाली घबराहट या डर से बाहर निकालने की जानकारी दी। चर्चा को दूसरे देशों से भी जोड़ा गया था। वहीं कार्यक्रम के दौरान सुझाव भी लिए गए, जिसमें बच्चों की परीक्षा को उत्सव की तरह लेना, संगीत सुनने तथा दोस्तों के साथ चर्चा करने इत्यादि सुझाव देखे गए। बच्चों को अकेले ज़्यादा देर तक ना रहने के लिए भी कहा गया। बाहरी खेलों को अपने कार्यक्रम का हिस्सा बनाने तथा एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर छोटे छोटे लक्ष्यों द्वारा प्राप्त करने का भी आह्वान प्रधानमंत्री ने किया। अभिभावकों को अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से ना करने की सलाह भी प्रधानमंत्री ने दी। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को बच्चों ने ध्यानपूर्वक सुना और काफ़ी आनंद के साथ अनुभव भी किया। इस कार्यक्रम के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य अशोक सोनी ने बच्चों को बहुमूल्य सुझाव दिए, जिससे बच्चों ने बहुत ध्यान से सुना और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करने का बात भी कही। कार्यक्रम के बाद पाठशाला में अखंड ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती कार्यक्रम के तहत मीटिंग का आयोजन भी किया गया, जिसमें अवतार डोगरा को मुख्य सलाहकार, शक्ति सिंह डोगरा को प्रधान तथा कर्नल अशोक कुमार को उप प्रधान चुना गया। इसके अलावा अन्य आए हुए प्यारेलाल राणा, जे आर भाटिया सहित जगन्नाथ रिटायर्ड प्रधानाचार्य को सदस्य बनाया गया, जिन्होंने तय किया कि विद्यालय में बच्चों को नैतिकता की शिक्षा की जानकारी देने तथा नशे से दूर रहने के बारे में प्रातःकालीन सभा में जानकारी दी जानी चाहिए। पुस्तकालय में भी विभिन्न प्रकार की ज्ञानवर्धक पुस्तकों का उपलब्ध करवाने की बात भी की गई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज राष्ट्र के को संबोधित किया, जिसमें बच्चों को परीक्षा पे चर्चा के बारे में बात की और उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में बच्चों को बताया कि बच्चों को परीक्षा का डर रहता है और बच्चे उस डर की वजह से जो है प्रॉपरली परीक्षाएं अच्छी तरह से नहीं दे सकते, परंतु उन्होंने बच्चों को इस तरह से हौसला दिया कि बच्चे जो हैं वो कल की भावी पीढ़ी हैं, उनको किसी भी तरह का डर और बोझ नहीं समझना चाहिए। आजकल के पेरेंट्स, अभिभावक बच्चों से अधिक आकांक्षाएँ करते हैं, अपेक्षाएँ करते हैं कि हमारा बच्चा ऊंचे-ऊंचे पदों के ऊपर जाए। ये बात तो सही है, परंतु जहां बच्चे का हुनर है या बच्चे जहां सोच सकते हैं या समझ सकते हैं, हमें उसी तरह की शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बच्चों से ये भी आह्वान किया कि बच्चे कल का भविष्य होते हैं और उन्हें ऊंची सोच और ऊंचे पदों पर बात सोचनी चाहिए, ताकि हमारा राष्ट्र जो है वो सुदृढ़ बने और समग्र बने। इसके साथ साथ आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मनोह में एक मेरे स्कूल से अखंड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती, अखंड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती के ऊपर भी एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मनो इलाकावासी के लोग काफ़ी मात्रा में यहाँ पर उपस्थित थे और इसमें बहुत से गणमान्य व्यक्ति, आदरणीय श्री शक्तिचंद डोगरा जी, आदरणीय कर्नल अशोक कुमार जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल प्यारचंद राणा जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल श्री जगन्नाथ जी और हेडमास्टर श्री जगन्नाथ जी और एसएमसी के प्रधान श्री रतनचंद चौधरी जी, बहुत से लोग उपस्थित थे, जिसमें बहुत से बिंदुओं के ऊपर चर्चा की गई, जिसमें अपने अपने विचार उन्होंने प्रकट किए। उसमें ये कहा गया कि स्कूल की बेहतरी के लिए और कम्युनिटी की बेहतरी के लिए बच्चों को आज के युग में अच्छे संस्कारों को देने की आवश्यकता है। अगर बच्चों के बीच में अच्छे संस्कार होंगे तभी बच्चे आगे जाकर के उन्नति के शिखर पर पहुंच सकते हैं। आज बच्चों में मोबाइल की बढ़ती हुई कुरीतियाँ, कंप्यूटर की बढ़ती हुई कुरीतियाँ, टेलीविज़न का अधिक देखना और नशे का अधिक सेवन करना, इस तरह की बहुत से मुद्दों के ऊपर बातचीत की गई। यदि हम सभी अभिभावक, पेरेंट्स, टीचर्स इसमें बच्चों को एक अच्छा मार्गदर्शन देते हैं
तो बच्चे जो हैं उस मार्गदर्शन को अपनाकर अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों के बीच में जो आज पढ़ाई के प्रति जो है उनका ध्यान कम हो रहा है, उसके ऊपर भी चर्चा की गई कि विद्यालय के बीच में एक लाइब्रेरी का होना बहुत ज़रूरी है। यदि लाइब्रेरी विद्यालय में होगी तो वहाँ पर ज्ञानवर्धक किताबें वहाँ पर रखी होंगी, तो बच्चे वहाँ से अधिक ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। यदि विभिन्न प्रकार की पुस्तकें वहाँ पर उपलब्ध होंगी तो बच्चे वहाँ उन किताबों को पढ़ करके अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों को ये भी बताया गया कि हमें जो आज के युग में हमारे जो टीचर साहबान या हमारे उच्च अधिकारी जो इन इन विद्यालयों से पढ़ करके निकले हैं या ऊंचे पदों के ऊपर पहुंचे हैं, उनको अपना मार्गदर्शन मानते हुए, उनको एक स्थापक मानते हुए वो उनके राह के ऊपर अगर चलते हैं तो बच्चे कल को इस देश का